ठीक पक्ष लगे ओ नमो श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 47 अध्याय श्लोक 64। अथ गोपीरनुगाप्य यशोदानन्दमेव च गोपानां आमन्त्र्य दासारः जासन्नारोहे रथम् अथ गोपीरनुगाप्य यशोदानन्दमेव च गोपानाम् आमन्त्र्य दासारो जासन्नारोहे रथम् अथ गोपीरनुगाप्य यशोदानन्दमेव च गोपानाम् आमन्त्र्य दासारो जासन्नारोहे रथम् रथ कालांतरे अच्छा अथ गोपी अनुगाप्य अथ कहले कालांतरे यही भाव दस एगार मास काल रहीगले नंदग्राम कतिचित मासान बोली कहती कतिचित मासान सनातन गोस्वामी कहते दस एगार मास रे नंदग्रामी भाव अथ तेणु यही भाव से रही सबुदिन सी भगवान कथा कहते कृष्ण कथा कृष्ण लीला कथा गायन रेमे हरिदास ब्रजोक साम हरिदास कहले ये होंगे तीन प्रकार हरिदास अच्छा ये जन हरिदास ये होंगे उद्धव आम गत का कहते रही व्यासदेव इत्यादि से कहते जिते आराध्य अच्छा भितर श्रेष्ठ आराध्य है कृष्ण एवं कृष्ण आराधनाकारी भितर जिते अच्छा श्रेष्ठ अच्छा उद्धव हाँ उद्धव आम कही एकादश स्कंद 26 अध्याय 16 अध्याय से श्लोकटी अच्छा मुझे गोपी माँ भागवत मान भितर मुझे तमें हूँ मु तेणु ये उद्धव रही जो रही उद्धव महात्म्य एवं सी भागवत तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय से श्लोकटी आम गत का कहते ये भगवान ठार गोटे मात्र अणुमात्र कम नुहति कहीं सी जो रही त्रिगुण रही भौतिक जगत त्रिगुण रही त्रिगुण द्वारा सी प्रभावित हमारे ना न उद्धव अणुपे नुह कहीं गुणी नादित प्रभु गुण द्वारा सी अर्जित हमें ना गुण द्वारा प्रभावित हमें ना भौतिक जगत समेत गुण द्वारा प्रभावित हमें सत्य रज तम तीन गुण जो रही तीन गुण द्वारा समस्त प्रभावित हमें भगवद गीतार भगवान कहले 14 अध्याय सत्व रजस्तम गुणा प्रकृति समभा निबद्धनाति महाभाव देहे देही नाम अव्ययम सत्व रज एवं तम ये तीनो गुण रही समस्ते बंधा हो रही एमती देवता मैंने बाहर जाइना भागवत भगवद गीता अष्टादश अध्याय भगवान कहले न तदस्ति पृथिव्यांग दिव्य देवी सुवा पुनः सप्तम प्रकृति जय मुक्ति यदि भी सी गुण देवलोक ठार आरंभ कर कौन सी लोकने तीन गुण ऊर्धक जाती हाँ
समस्ते तीन गुण भितर बंदी होकर रही गुण भितर जो मैंने ऊर्धक गले महात्मा तेणु भगवान केवल उद्धव को सन्देश दे कि पठाई वृंदावन को ता नुह से मध्य सन्देश दे कि पठाई थे बद्रीनाथ को भगवान गला मत अथ मत बैन लोके तिष्ठतु उद्धव यही भाव मोर जो भगवान नहांती भगवान चलीगला उद्धव भगवान कथा को प्रचार करद्रीनाथ बद्रीनाथ रही नरनारायण भारत वर्ष पूज्य होती से भगवान सब वर्ष पूज्य भगवान अच्छा भगवान विभिन्न प्रकार जो रही मूर्ति रही भगवान विभिन्न अवतार रही किए कौटी पूजित होती भागवत पंचम स्कंद वर्णना कर तेणु भारत वर्ष रही जम्बूद्वीप जो भारत वर्ष नौटी वर्ष रही ये नौटी वर्ष जो मझे रही इलाहाबाद वर्ष से संकर्षण पूजित होती स्वयं शिवजी पूजा करेणु सबुठ दक्षिण जी रे हूँ भारत वर्ष आम जो भारत वर्ष रही सब दक्षिण रही ये नरनारायण पूजित हमें किए पूजा करती नारद मुनि पूजा करती नारद मुनि जो भगवान अवतार से भगवान पूजा करते जाकि बद्रीनाथ को जाकि उद्धव भगवान कथा प्रचार कर भगवान तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय वर्णना कर तेणु भगवान जो चलीगले सब ज्ञान प्रदान कले उद्धव को तो एकादश स्कंदर षष्ठ अध्याय एकतीस अध्याय पर्यंत भगवान जो विभिन्न प्रकार एकादश स्कंदर षष्ठ अध्याय एकतीस अध्याय पर्यंत तीस अध्याय पर्यंत सब ज्ञान देते भगवान उद्धव को ज्ञान देते रघुपाद महाराज कहते जो ज्ञान दे न अर्जुन को भगवदगीतार उन्नत ज्ञान एवं त्रिलोके गुरुणा संदिष्ट शब्दजोनिना बदरियाश्रम आत्माचार्य हरिमिज्य समाधिना तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय बतीस श्लोक श्लोक भी अच्छा कहुई भाव में भगवान सब ज्ञान देदे उद्धव को उद्धव ज्ञान देकरी मैत्र मुनि थे मैत्र मुनि से ज्ञान को पुणी दे विद्रु को दे भाव गोटे परंपरा आसुची तेणु यही भाव पठेले बद्रीनाथ से बद्रीनाथ में भगवान कथा प्रचार कर आचार्य मैंने विशेष भाव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कहीं बद्रीनाथ को पठेले ना भगवान विभिन्न स्थान सब लीला कले लीला पुरुषोत्तम सबुठे लीला कले कि बद्रीनाथ को जाना सबुठ जाए पृथ्वीर जिते स्थान रही पृथ्वी बाहर तल अतल जो रही शीतल लोक रही जम लोक रही वैकुंठ लोक रही सबुठ गले स्वर्ग लोक जा सबुठ जाला कर भगवान लीला पुरुषोत्तम भागवत दशम स्कंदे विस्तार भाव से वर्णना कर बद्रीनाथ को जा बद्रीनाथ पठेले जाओ तुम्हें उद्धव से मोर कथा प्रचार कर भगवान विरह भगवान अनुपस्थित भगवान कथा से प्रचार कर उद्धव तेनाली से उद्धव एत उन्नत स्थित अच्छा सी गोपीमान भाव गुणगान कर कृष्णकर गुणगान करोपी मान गुणगान कर गोपी मान सहित कई सामान हो पारे ना तेणु यही पांचटी श्लोक में गोपी मान महात्मा गुणगान कले पखापाखि एगार मस काल रहीगले अथवा कथित सामान बोली कह कथित सामान कहले सनातन गोस्वामी कहते एगार मस पखापाखि रे से रहीकि कृष्ण लीला कथा गायन हरिदास ब्रजोक साम रेमे हरिदास हरिदास कहले ये आम समस्त भगवान दास जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास किंतु से मैंने भावते नहीं आम दास भावते आम हूँ प्रभु आम हूँ उपभोगकारी तेणुक दुख पाँच बहुत जगत जदि जन जानव आम हूँ भगवान दास भगवान सेवा करवा हूँ आम कर्तव्य तार आनंद र भगवदगीता पंचम अध्याय अणतीस श्लोक भगवान कहले सीटा यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर श्रोत सर्वभूता ज्ञातमा शांति मुझे ये तीनोटी जिनस जी जन जानव ती आनंद रोचान भगवान होती भोक्ता भगवान होती उपभोगकारी आम कि भावे उपभोगकारी बोली यहाँ हूँ आम से आम दुख पाचे आनंद पापर ना सर्वलोक महेश्वर सी हूँ मालिक आम नुह एवं सी हूँ समस्त निजर व्यक्ति सुहृदंग
अत्यंत आपणार व्यक्ति इतनी की जिनसे जान ले जाने आनंद रही हो ये शांति प्राप्त रूपाय रूपाय महाराज कौन दी तेनु ये जो रही सुन्दी रेमी भगवान को गुणगान करी करी उपमान कर जो रही थला विरह संताप को दूर कर दले उपमान ही भगवान विरह रे मृत्युवरण कर चंदे आज ऊपर वर्णन कर दे जाम से वर्णन कर चंदे पहले काली नल पर दिन में मृत्युवरण करीबु तेणु भगवान जब संदेश दे गोटे संदेश ये कह तुम आखि बुझ आखि बुझे सब सब भगवान आसिक लीला रास लीला कले शहे कोटी वर्ष धरिकी से गोटे मुहूर्त ये भगवान अचिंत शक्ति जो भाव दशम स्कंद उतार वर्णना करते गोप भगवान सांग बाड़क मैंने मुंजा टबीर गाभी गोचारण करुला बेले दावानल होता कौन जंगल निगला से मैंने आतुर कृष्ण को प्रार्थना कले रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर भगवान कहे किसी असुविधा ना तुम आखि बुझ आखि बुझ आखि बुझ आखि बुझीदे जो सांगे सांगे से उद्धार पाईगले भाणी बट पाखे आज पहुँची गले निटा कुआ पड़े भगवान निहां को पान करदे अग्नि पान करदे भगवान मुख हूँ अग्नि भगवान से आम जब टे चतला जिनस नहीं गले जीव आम फुटका हो जो स्वादु थी सब चल जीव कि ये फैन टाक बंद कर दिया तेणु ये जो रही भगवान से भगवान अग्निपान समस्त समस्त सामने अग्निपान करते दशम स्कंद सतर अध्याय वर्णना करते कालिया दमन को कालिया को दमन कले से समय समस्त सामने पान करते बर्तमान उन्नीस अध्याय समस्त आखि बुझिक पान कले ये सब जो आलोचना होता ब्रजरे जो सांग बाड़क मैंने फेरी आसुके सन्या बेले से सब आलोचना होता आज ये लीला है आज ये लीला है आज ये लीला है एमती गोपी मैंने जो रही से मैंने सब जाइक मथुरा को जाते जो दही क्षीर लवणी बिक्री करने जो कहती जो से श्लोक अच्छा बिलमंगल ठाकुर बर्णना कर रचना कर गोपी जो जा ना गोपी मैंने जो जाऊ गोपी मैंने गोपे गोपा गोपी 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 मैंने से दही दही दूध लवण सब नहीं जाऊे से कहते गोविंद दामोदर महात्मी कौन चित्त भगवान पाखे रही जाता हृदय तेणु से मैंने विक्रेत कामा किलगोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त बुद्धि दध्याधिक मोह वसाद भोज गोविंद दामोदर माधवती विक्रेत कामान सब जाऊ बिक्री करने बिक्री करने दही लवणी सब नौले भगवान जा बाटे कहते मतलब टैक्स दिय दानाघाटी रही वृंदावन वृंदावन सब रही वृंदावन रही भगवान ये भाव सहित सब लीला करते कहे यहाँ हूँ मुझ राजा यार दान दबाक पड़ो दान घाटी दान ना तुम छड़ा जीव ना ये टैक्स कलेक्शन करुले भगवान तेणु सी जाते खाली दही दही बिक्री करता नुह सब गोपी मैंने जो रही मथुरार विशेष भाव ब्राह्मणी मान कथा कह जाए ब्राह्मणी मैंने जो क्षीर इत्यादि किणुले से ही समय कथा आलोचना चलता भगवान आज ये लीला कले ये लीला कले ये लीला कले सब शुणी शुणी से भक्त हो गले तेणु भगवान जो गोप बाड़क मान सहित मथुरा निकट में गोचारण करुले गोप बाड़क मैंने कहले से दिन आमको आम पाखे गोटे बड़ असुर रही हत्या कर तुम्हें ये असुर हत्या कर गोटे बड़ असुर को हत्या कर ना कौन ना ये आम कौन क्षुधा असुर आमको बहुत क्षुधा हो भगवान कहले ठीक अच्छे तुम जाओ पाखे पाखे थी मथुरा मथुरा नगर में मथुरा सहर से जो ब्राह्मण मान रही से ब्राह्मण कहले जागिंग ब्राह्मण
वरुण पुराण वर्णन करे जी ब्राह्मणान ब्राह्मणान सहस्रेषु सत्यजाति विशिष्यते सत्यजाति जो माने यज्ञ करंदे से माने साधारण ब्राह्मण मानकर उन्नत स्थिति रे अछंदी तेणु से माने जाज्ञिक ब्राह्मण तांक पाखरे जाइकरी जितले भगवान को संग भारत माने कहिले प्रणाम करिकरी कहिले हमर भगवान एटे अछंदी तांको क्षुदा होती किसी खाद्य प्रदान कर से माने सुनिले नाही हाँ कहले कि ना कहले कि कहले बहुत समय से पड़ी रही फेरी आसिले जो भगवान कह तुम आउ थे जाऊन से ना ना आम आठ जीवना ना ना एथरक से ब्राह्मण मान पाक जीवना पत्नी मान पाक जीव तेणु जो पत्नी मान पाक गले से पत्नी मैंने शुणी रही थे भगवान कथा भक्त होती भगवान भक्त हाँपाई आरंभ हो श्रवण श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि जो भक्ति नौटी अंग रही ये आरंभ हो श्रवण रु तेणु यहाँ श्रवण कर सी भक्ति भक्त हो जाते स्वामी मैंने ये शास्त्र अध्ययन कर यज्ञ कर सब कर यज्ञर मूल वेदर प्रकृत वस्तु कौन से जाणी ना बहुत लोक अच्छा आम चैतन्य चरिता मत वर्णना कर जे हजार कोटी कोटी जो जीव अच्छा 84 लक्ष प्रकार जीव अच्छा से दुई प्रकार विभक्त स्थावर एवं जंगम जंगम स्थलचर और जलचर पुणी रही तेणु एम भाई मनुष्य जाति हूँ अति अल्पतर 4 लक्ष प्रकार 84 लक्ष प्रकार जीव मान भितर 4 लक्ष हो मनुष्य जन्म हाँ भितर अधिकाश हो कौन बौद्ध पुलिंद म्लेच्छ से भगवान ग्रहण करते ना से असुर सबू बौद्ध गोटे धर्म है मतलब से सब असुर भागवत वर्णना कर समूहासुर दिशा निकटेश भविष्य व्यासदेव जो रचना करते भागवत 5000 वर्ष तले रचना करते सही समय बुद्धदेव आसी ना भविष्य आसवे से भविष्य काल में कहगला निकटेश भविष्य निकट देश में आसवे समूहासुर दिशा सुर दिशा कह सुर कह देवता देवता मान जी विरोधी असुर तेणु बौद्ध मैंने सब असुर से सब हाँ से मैंने भगवान ग्रहण करती ना बौद्ध मेच कुलिंद मेच कहले जो मैंने कौन आमित भक्षणकारी शास्त्र को ग्रहण करती ना मेच मेच निबह निधन कलयसी कर बाम भागवत जेना मैंने से जवन जवन हो भागवत को जो मैंने मानते ना भागवत विधि अनुसार जीवन जापन करती ना से जवन मेच हो जो मैंने आमिष भक्षण करती तेणु ये समस्ते भगवान को ग्रहण करती ना आतीक भगवान रही जी लोक रे भर अधिकाश होती वेद को मुख्य मानती हाँ से आम वैदिक आर्य आम वेद को वेद अनुसार आम कार्य करेद कि वेद को मुख्य मानुं वेदर वेद निषिद्ध कर्म कर वेद निषिद्ध रही करना दिवतम पान स्त्री सुना ये अधर्म चतुर्विधा दुष्ट क्रीड़ा निशा प्राण निशा द्रव्य सेवन अवैध स्त्री संग एवं आमिष भक्षण इत्यादि दिवतम पान स्त्री सुना ये सब करती से वेदर दुआई देकर तेणु से बुद्धदेव आसिले वेद को निंदा कले ये सब कथा रही आउ जी लोक रही अल्प लोक रही से कर्मकांड से यही स्वर्ग को जीवाई से वेदर से कहते यहाँ हूँ वेदर सबुठू कौन सार वस्तु होटा भगवद गीतार भगवान कहले द्वितीय अध्याय जामीमा पुष्पिता बात प्रबदंती अभिपस्थित वेदवाद रता पाठ नान्यद अस्थितवादीन वेदर ये कर्मकांड धार रही वेदर तीनोटी कांड रही कर्मकांड ज्ञानकांड उपासना कांड नरोत्तम दास ठाकुर कहले कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विशेर भाण्ड अमृत बोलिया जेवा खाय नाना जोनी सदा फिरे कदर्ज भक्षण करे तार जन्म अध पाते जाय कर्मकांड प्राय अधिकांश से स्वर्ग को जीवाई करती कार्य करती वेदर यहाँ कहते हैं सार जिनस कि वेदर सार हूँ भगवान कृष्ण को जानवा भगवद गीता 15 अध्याय 15 श्लोक कहला वेदेश सर्वीरहमे वेद्यो
समस्त वेदरे गांते हो वस्तु वस्तु बोलते भगवान तेणु ताकर स्वामी मैंने जापारे एत उन्नत कूल जन्म होती एत शास्त्र अध्ययन करते मंत्रविद रही एत कौन दक्ष रही के कौन सब रही धिकार कले निजे धिकार कले निजुक पत्नी मैंने जो जान लें भक्तिर उन्नत भक्ति मैंने जो शुणिले भगवान आगवान से तेणु जहाँ रोसे यज्ञ प्रदान करने सब धरिक चलने भगवान सब अर्पण कले यही भाव दशम स्कंद तेईस अध्याय वर्णना कर तेणु भगवान यही भाव गायन कराला आज भगवान आबसेन्स भगवान जो चली जा मथुरा को मथुरा लीला सब चलती सेठी वृंदावन लीला बंद हो गला वृंदावन भगवान कह जाए भगवान हो द्वारकार पूर्ण मथुरार पूर्णतर एवं वृंदावन से पूर्णतम पूर्णतम लीला सरीगला भगवान एगार वर्ष पखापाखी जो लीला कले सरीगला किंतु से लीला जो गायन करा भगवान से उपस्थित अच्छा तेणु एगार मास काल जो लीला कले एगार मास को लीला कले समस्त नंद नंदग्राम समस्त नंदग्राम पूरा ब्रजवासी समस्ते विभिन्न स्थान कौट कौन भगवान लीला होता से सब स्थान जाकरी शरीर बन द्रोणी विक्षण कुसुमिता ध्रुवान कृष्ण संस्मरण रेमी हर हरिदास ब्रजु कसाम ये भाव वर्णना कर सब शरीर फिर जल जो नदी में पुष्करिणी ये सब स्थान में भगवान को कौन सब लीला होता गोविंद कुंड कुसुम कुंड इत्यादि कितनी प्रकार सब रही जल स्थान सब रही शरीर मानस गंगा मानस गंगार भगवान को लीला होता जमुनार लीला होता यह भाव सब शरीर बन द्वादश बन रही जय कौन द्वादश कानन तेणु विभिन्न लीला महावन इत्यादि विभिन्न प्रकार जो ताल बन ये सब कितने कौन सब लीला सब भगवान कर सब लीला को सब गान करते शरीर बन गिरी गिरी जो सात वर्ष होते भगवान से जो गोवर्धन को धारण कर सात दिन धरी धारण कले आम शिशुमत राधाकृष्ण सिंह महाराज कहते केमी धारण कले जो इंद्रकर पूजा को बंद करदे जो रही दीपावली दिन दीपावली अमावास्या तिथि से दिन होता से बंद करदे जो पर दिन हूँ भाई दूज भौणी मैंने भाई को पूजा करती भाई दूज ये सरला तृतीय दिन आरंभ हो गला बर्षा ये वर्षा है प्रबल वर्षा इंद्र कहले पठेदे संवर्तक मेघ को प्रलय समय जो मेघ आसे से मेघ को पठेदे जाओ वृंदावनवास समस्त को हत्या कर अभिमान को समस्त नष्ट कर दियो तेणु गोप मैंने सब क्रंदन कले कृष्ण को डाकिले प्रार्थना कले भगवान धाई गले धाई गोवर्धन को धारदे बा हाथ धरीदे हाथ आंगुठे गोटे हाथ धरिकी टेकी पकईदे उपरू टेकीदे फिंगीदे उपर को बल भाया फिंगीदे समस्त देखुं से जो तलू पड़ा से बाँध आंगुठी काली आंगुठी देखेदे ये भाव से धारण कर सत दिन सत राति हाँ गोटे पाद पचु घुंचे ना भगवान से भगवान जो मैंने ये भाव में आसबे ना कौन जो मैंने परंपर शुणे ना से भाव ये सब घटना ये सब मन गड़ा कथा से बुझीपारे ना भगवान भक्त ना से बुझीपारे ना कि भगवान लीला को कहे ये सब मन गड़ा कथा ये सब मन गड़ा कथा को भावी आम जन आचार्य कहते मन गड़ा कथ लिखापी शुणापी बुझापी ध्यान करने लोक मैंने कहीं घर पर सब त्याग कर जंगल को जाकर सब भगवान ध्यान मग्न रोते कौन पर कल्पना जिनस टी देखे कल्पना जिनस बहुत बाहर सब दिन फिल्म लिखा हो सीरीयल लिखा होल कौन माइकल ये सब मन कल्पना जिनस प्रथम लिखा होता कि सब देखुं शुणुं चिंता कर समय चली जाऊँ हाँ प्रकृत घटना को शुणुना ये प्रकृत घटना भावना से मनगढ़ा जिनस मनगढ़ा जिनस भी तुम तो सिनेमा देखुछ ये सब देखु मनगढ़ा जिन लिखा हो सर्टिफिकेट दि जाऊँगा मनगढ़ा कि विषय आलोचना होती कौन प्राइज दि जाऊँगी सम्मान करते कौन सब करा कि
ये सत्य घटनाटा को जमी अर्जुन कह प्रभु आप कौन सब सत्य सर्वम विहितम रीतम मानी आप सब कहे सब सत्य कहले ब्रह्मा मध्य नारद कहते मोर कथा केवल मिथ्या हम ना भागवतम जो कहते ये भागवतम केवल मिथ्या ना आदर कौन मिथ्या जिनस ना मिथ्या वस्तु ना परम सत्यम सत्यम परम धीमहि खाली सत्य नुह अंतिम सत्य कहुच भागवतम सत्यम परम धीमहि ये कहुच आरंभ हो सत्यम परम धीमहि किंतु जो मैंने परंपरार न आसवे उपयुक्त गुरु शिष्य परंपरार श्रवण न करेंगे से भाव ये सब मनगढ़ा जिनस टाइम पास करने सब कर तेणु जहाँ भी हो भाव एगार वर्ष एगार मास काल रही जो विदाय नौ श्लोक से अथ शब्द व्यवहार कराला अथ ये कौन है ना काला जो रही एगार मास काल रही से विदाय ने का विदाय ने गो गोपी अनुगाप्य प्रथम गोपी मान ठारू ने विदाय ने गोपी मान भगवान संवाद जो देते विशेष भाव दुईज कथा मेनसन कहला दशम स्कंद छयास अध्याय वर्णना कर गच्छोद्धव व्रजंग सौम्यम कण गच्छोद्धव व्रजंग सौम्यम प्रीतो न प्रीतिमा बह पीतो न मो पिता माता प्रीति प्रदान कर एवं गोपीना मत वियोग आदि मत संदेश विमोचय गोपीमान गोपी मान मोर वियोग जो मनस्ताप रही मोर संदेश प्रदान कर दुख को दूर कर यही भाव सन्देश भगवान अनेक सन्देश आम सब आलोचना कर सारी तेणु यही भाव में सरीगला कथा एगार मस चाहूँ जीवापी सब कथा सरला पुणी जीवाई चाहते ना जाओ ना आज नुह रही जाओ रही जाओ ये जमी कहुई प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय जो भगवान केस काल रहीगले से कतिचित मस एक्जाक्टली लिखाही नहीं जदि से किसी दिन बहुत दिन रहीगले महाभारत युद्ध पर रहीगले युधिष्ठिर महाराज को राजा युधिष्ठिर महाराज राजा हाँपाई चाहून कारण ये अठर अकोनी सैन्य मृत्युवरण कले युधिष्ठिर महाराज निजी दोषी कर भावुले जदि भगवद गीतार ज्ञान में अर्जुन मोह दूर हो गला कि युधिष्ठिर महाराज शोक दूर हो पारा ना बोली कहुए जहा हो भगवान नहींक्र गले भीष्मदेव आगू प्रथम स्कंद नवम अध्याय वर्णना कर भीष्मदेव सब दान धर्म राजधर्म स्त्री धर्म भागवत धर्म सब धर्म को गोटा संक्षेप में गोटा विस्तार भाव वर्णना कले महाभारत अनुशासन पर्व वर्णना कर ये सब शुणी युधिष्ठिर महाराज के शोक दूर है तेणु जोबले अंतिम जो जीवाई विदाय नहीं जाऊँगी से समय प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय वर्णना कर भगवान जो विदाय नहीं जाऊँगी से समय द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ता पूर्व सात पुत्र को हत्या कर दे पांडव मान सात पुत्र को हत्या कर सोईला बेले सोईलाबले हत्या कले पांच पुत्र तापर जो फेरी जाऊँ से समय से पुणी मारियापी पांडव मान को अंतिम संतान थे उत्तरांग गर्भर जी पर परीक्षित हेले हत्या करने बाण कौन ब्रह्मास्त्र को प्रेरण करते भगवान उद्धार कले रक्षा कले पांडव मान रक्षा कले उत्तरांग गर्भ को रक्षा कले जो फेरुंत से समय कुंती महाराणी स्तुति कले भगवान को हाँ प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय छब्बीस स्तुति रही स्तुति भगवान लीलागान कर भगवान गुणगान कर तेणु जिते बड़े सरला जो विदा नहीं जीप बस युधिष्ठिर महाराज मना करदे कहीं आज ना का जीव पर जीव कहीं पुणी किसी दिन रहीगले ये भाव अनेक मस रहीगले कहुए जहाँ हो भाव में एगार मस काल रहीगले तेणु गोपी मान पाखु अनुज्ञा गोपी मान विशेष सन्देश गोपी मान अनेक सन्देश तेणु गोपी अनुज्ञाप्य आम अन्य शास्त्र वर्णना कर शहे जो रही ग्रुप रही गोपी मान शहेटी ग्रुप रही शहे गोपी मान शहे प्रकार सन्देश उद्धव प्रदान करुले
तेनाली भाव का पर भाव गारमास काल रहीगले तेने असुविधा मथुरार असुविधा ये हूँ प्रधानमंत्री कि बर्तमान भारत चाइना युद्ध आरंभ हो गला से भाव में युद्ध आरंभ हो प्रति केत युद्ध आरंभ हो कहब ना राजा जी हे सब चिंता राज्य शासन रेणु अठर बाल आस युद्ध करेंगे किए उग्रसेन कंसर शशुर जरासंध जरासंध उग्रसेन उग्रसेन राजा थे जरासंध युद्ध करेंगे अठर बाल आस युद्ध करेंगे आउ थे लास्ट को आसवे कालधवन आसवे कालधवन गोटे कोटी ना केन कोटी सैन्य आसवे ये सब कथा रही युद्ध करेंगे सब तेणु दासार शब्द वर्णना कर अथ गोपी अणु ज्ञाप्य तेणु गोपी मान ने विदाय ने अथ गोपी अणु ज्ञाप्य जशोदा नंदमेव चापर जशोदा पाक जा नंद पाक जा विदाय नौ जीवी मत विदाय दिंतु गोपाना आमंत्रित दासार हो गोपाना जो सांग बालक मान अच्छा गोप मैने भगवान कृष्ण सांग मैने बुद्ध सांग हे एक बयस समवयस्क सब पाखापाखी तेणु तक गोप मान आमंत्रित सहित आलोचना कर विदाय नहीं दासार हो ये हूँ दासार हो भगवान जदु वंश रे बहुत वंश सब आस दासार गोटे वंश मधुवंश कौन वृष्णी मधु अनेक प्रकार वंश रही दासार गोटे सतुदांग ये भाव अनेक प्रकार वंश रही तेणु दासार कहते मथुरार जो रही जदु मान रही पी विपद आसीजना ये प्रधानमंत्री साहब भगवान सब ज्ञान ग्रहण करती भगवान विचार करती उद्धव कौन करवा ये भाव संकट आसला कौन करवा सातिकी रोच भगवान बॉडीगार्ड भगवान समझ रक्षा करती रक्षा कर बॉडीगार्ड सातिकी सारथी एवं उद्धव पचार उद्धव कौन करवा यह असुविधा आर्तमान कौन करवा विभिन्न समय भागवत वर्णना कर उद्धव मठ सब मंत्रणा ग्रहण करती विष्णा प्रबर मंत्री भी कह जा मंत्री कहले मंत्र प्रदान करती सब कौन सब प्रकार वर्णना करेंगे केमी उपदेश देवे सब मंत्र मंत्री सब बड़ मंत्र हो भगवान नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बड़ मंत्र हो महामंत्र अनेक प्रकार मंत्र अच्छी ये महामंत्र कह तेणु जहा हूँ गोपी मान गोपा मान को मंत्र सहित आलोचना कर विदाय नहीं कि दासार हो यदुवंश रे जो आसभा पुत्र ये हूँ उद्धव वसुदेव भाई देवभा पुत्र तेणु ये जासन आर रुहे रथम जो रथरे आसते जो रथरे भगवान जाते जो रथ तैयारी करते कंस बिल्ट इन मथुरा मेड इन मथुरा जो रही मेड इन इंडिया मेड इन रही कंस से रथ को तैयारी करते कौन पर उपभोग करेंगे सुवर्ण रथ समस्त देखिए आश्चर्य जमी आम बर्तन रही कार मान बहुत दामी कार को समस्त देखिए गधा हो कौन से रही गोटे थर देखुरी तेल पकड़ा बेले स्कूटर में गोटे नुआ गाड़ी आसला सब बेड़ी तार चारिपटे बेड़ी जा सब फटो उठ कर फटो सब अधिका दामी गाड़ी मानी कह कौन जिनस के कौन सब हम ये से भाव रथ या करते रथ कहीं निर्माण करें यार उपभोग करेंगे रथरे सब चलिए मथुरा नगरी विजय करेंगे सी तो सब भगवान भय रोच दशम स्कंध वर्णना कर कौन सांबिशन अत सांबिशन तिष्ठन भंजान पर्जान मई चिंतान ऋषिकेश अपशक्तन्मय जगत वर्णना कर सब चिंता करते मृत्यु आसीज सांबिशन जो शोला बेले आसन बसुला बेले तिष्ठ जो खाई भुंजान पर्यटन जुआड़े जाऊ सब चिंता करूँ
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପଶ୍ୟତ ତନ୍ମୟନ ଜଗତ, ସବୁଠାରେ ସେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତନ୍ମୟନ ଜଗତ ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଂସ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ଵ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେତେ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ଯଦି ନ ମାନିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ନିୟମରେ ତୁମେ ରହି ବନ୍ଦୀ ହେବ, ଜେଲରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ନାଗରିକ, ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ସବୁ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ହେଇକି ରହିବ, ତୁମର ସବୁ ରହିଛି, ତୁମକୁ ତୁମର ରହିଛି ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ତୁମ ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି, ଏସବୁ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତୁମ ଅଧିକାର ରହିଛି, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ତାହେଲେ ଜେଲରେ ରହିବ, ଜେଲରେ ରହିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ। ଜେଲ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଜେଲ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିବେ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ସେମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ହେଇକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ମହାତ୍ମା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେବେ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହେଇକି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ଗଡ୍, ତାକୁ ଓଲଟେଇଦେଲେ ଡଭ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗଡ୍ଙ୍କର ସେବା ନ କଲେ ଡଭ୍ଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କୁକୁର ଧରି ଚାଲିଲେ, କୁକୁରଙ୍କ ମାଲିକ, କୁକୁର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଲିକ, କୁକୁର ଯାହା କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଜିକାଲି ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଡଗ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ସମସ୍ତେ କୁକୁର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦାସନ ଆରୁ ଇଏ ରଥ, ଏଇ ରଥକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲା ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ରଥକୁ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଠାଇଦେଲା ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ। ନାରଦାସ କହିଲେ କଂସ ଏଇ କ'ଣ ରଥ କରିକିରି କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରିବ, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପାଖି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହତ୍ୟା କଲେ କାହାକୁ, ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ନାରଦମୁନି ଆସି କହିବେ, ନାରଦମୁନି କହିବେ କଂସ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ପରା ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର, ବସୁଦେବ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ କଂସଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପଶିଯିବ, ଯାହା ତ ଭୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ରଥ ଚଢ଼ିବେ, ପଠାଇଦେଲେ ଅକ୍ରୁରଣ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଠାଇଲେ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଛତିଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଯାଇକିରି ଅକ୍ରୁରଣକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିକିରି ସେଇ ରଥ ଦେଇକି ପଠାଇଥିଲେ, ଏ ରଥ ନେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଣିବ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ରୁର ଆଣିକି ସେ ରଥ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ, ଅକ୍ରୁର ରଥ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 39 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ରଥକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ରଥ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ରଥକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ହାତରେ। ସେଇ କଥା ରଥମ ସେଇ ରଥ ଦାସ୍ୟନ୍ ଆରୁ ରୁହେ ରଥମ, ରଥରେ ଗଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେବେ, ଉପାୟନ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ନୋ ଅସ୍ମାକ ଦେହ, ଆମର ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆଗ କହିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାନା ଉପାୟନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଲେ, ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପହାର ସବୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନାନା ଉପାୟନ ଆଣି କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେଉଁ 11 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୀଳା କଲେ, ଓଗଣ୍ଡ ବୟସ, କୈଶର ବୟସ, ବିଳାସ ସମୟ ଏବ ଜାନି ସଞ୍ଚିତାନି, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀ, ଗୋପୀମାନେ, ଗୋପମାନେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୌଗଣ୍ଡ ବୟସରେ, କୈଶର ବୟସରେ ବିଳାସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ସଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ,
शिशु बहुरत्न स्वर्ण मुद्रा मुक्त मुक्ता अलंकार आदि बहुरत्न सब रही था भगवान वर्णना कराई दशम सुंदर भगवान लीला सब वर्णना कर भगवान सब मोती की चाष करू मोती गच लगे मोती चाष करूँ लीला सब रही मोती बाहर से जमी बर्तमान जमीन आम धान गहम सब बाहर आखु इत्यादि से भगवान मोती चाष करू मोती लगे गच लगे मोती है मोती फल फल्ला मोती बाहर हाँ दशम स्कंद पंचम अध्याय वर्णना कर भगवान जो आसते सबू मथुरावासी ब्रजवासी मैंने समस्त कहीं कौन सब धन बढ़ी जाऊला दशम स्कंद पंचम अध्याय वर्णना कर आरभ्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवास आत्मगुण रमा क्रीडन अभुन रूप कारण दशम स्कंद पंचम अध्याय भगवान जो जन्मलीला को जन्म जो कौन नंद उत्सव वर्णना कर प्रकार नंद महाराज कितनी कौन सब वितरण कले धन धान्य सब प्रदान कले से गोपी मैंने सब अलंकार इत्यादि धारण करते गोप मैंने सब अलंकार धारण करते दधी लवणी सब खेलुले फिंगा फिंग करुले भाव में जो ये प्रकार ऐश्वर्य रही जन चिंता कर गाभी पालन गोपालन करते धन तर रही आड़े चिंता करेंगे से सुखदेव गोस्वामी ये श्लोकटी कहले तथा आरभ्य नंदस्य भगवान जो आसीगले नंदर ग्राम ब्रजरे ब्रज सर्वसमृद्धिमान ब्रजरे आ कौन सी अभाव नाला धन धान भरपूर हो जाता सर्वसमृद्धिमान कहीं हरिणीवास आत्मगुण भगवान से तेनाली रमा क्रीडन अभुन रूप रमा कह लक्ष्मीदेवी समस्ते लक्ष्मीदेवी कृपा प्राप्त होने चाहते ब्रह्मा शिव आदि सब आरंभ कर समस्त चाहते लक्ष्मीदेवी किसी कृपा आम करते कि साधारण मनुष्य मान क्या कौन कह समस्त धन पति धाँ मनी 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 स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सनसाइन बड़ी श्रीमद गौरवंद स्वामी महाराज कहते समस्त धन दरकार जिते धन मिलने वो सन्तुष्ट होना आधिक 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 यही भाव में समस्ते कृष्ण लक्ष्मी कृपा प्राप्त होने चाहते तेणु से ही लक्ष्मी जी कि वैकुंठ लोक समस्त पूजा करती सी आसी ब्रजवासी मान पूजा कर रमा क्रीडन अभुन रूप हे रूप कह परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भाव धन धान्य सब थिला तेणु ये सब संचित कर रखी थे कैसर पैगंड बयसरे कैसर बयसर विलास सिंह भगवान अनेक लीला सब रही लीला भगवान अनंत से सर ना भगवान गोटे रात्र ब्रह्मा गोटे रात्रि मिशी जाऊला आ कौन कह आम तो जन्म आम जीवन शहे वर्ष कि ब्रह्मा गोटे दिन हूँ 432 कोटी वर्ष 1000 दिव्य युग ब्रह्मरात्र उपावृत्ति कहुई रासलीला जो होता गोटे रात्रि जो सीटा ब्रह्मा गोटे रात्रि 432 कोटी वर्ष हाँ कौन लीला गायन कर भगवान अनंतदेव भगवान लीला गायन कर शेष होना यपर्यंत द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय वर्णना कर शेष अधुना भी समवश्यक नाश्य पारम ए पर्यंत मत शेष होना भगवान लीला हाँ कौन कह तेनाली सब भगवान जो लीला समय से सब संचित कर रखी थे बहुरत्न स्वर्ण मुद्रा मुक्ता अलंकार आदि अलंकार आदि कृष्ण निज पुत्र भाई भगवान गोटे वर्ष काल ये लीला कले निजी विस्तार करदे जी संख्यक गोपबाड़क थे सांग थे निजी से संख्यक विस्तार कर ब्रह्मा जो चोरी कर नहीं गले कुमार वयस अंतिम लीला यहाँ है जो कौन अघास हत्या करते ब्रह्मा जो नहीं पड़े गले सांग बाड़क मान वर्षा मान नहींगले गोटे वर्ष आ भर बीतीगला एवं गोटे वर्ष भगवान ये लीला कले कहीं जापारे ना वृंदावन में तेणु तर निज पुत्र हिसाब से माँ को से स्तनपान करुले गावी माँ स्तनपान करुले बच्चा होकरी बाड़क होकर सांग बाड़क रूप से कहीं जापारे माँ जापारे ना ये श्रीधाम किए सुबल ये सब सब रही सब कौन अनेक सखा सब रही तुस्तुक कृष्ण इत्यादि समय माँ कहीं जापारे ना ये मोर पुत्र बोली गोटे वर्ष काल लीला चलला सब स्तनपान करुले सी कुमार वयस लीला
ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ରତ୍ନ ମଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିଥିଲେ ଯୌବନେ ସତୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେଣି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣସ ପରିଧାସ୍ୟ ମାନାନି ତଦା ତୁ ତଦ୍ ବିୟୋଗାତିଷୁ। ଯେହେତୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ବିୟୋଗାତିଷୁ ମମତା ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ଯେଉଁ ମମତା ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ରଖିଥିଲେ, ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ଉପାୟନ ତେନ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାୟନ ଅନେକ ଉପହାର ଉପହାର ସବୁ ଦେଲେ। କଳ୍ପିତାନି ଜ୍ଞାନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପହାର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିୟ ଯଚ୍ଛନ୍ ପ୍ରିୟତମ କିନ୍ନୁ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁତନା, ମାତ୍ର ଛଅ ଦିନ ରହିଥିଲେ ଭଗବାନ, ସେହି ସମୟରେ ପୁତନା ଆସିଥିଲା ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପୁତନା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପୁତନା ଲୋକ ବାଳାଗ୍ନି ରାକ୍ଷସୀ ରୁଦ୍ରାସନା। ପୁତନା ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ରୁଧିର, ବ୍ଲଡ୍ ଖାଇ ପାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପାନ କରିବେ, ମାଂସ ରକ୍ତ ସବୁ ପାନ କରୁଥିଲେ ସେ ରୁଦ୍ରାସନା। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଜିଘା ସାହେବି ହରେ, ହରିଙ୍କୁ ଜିଘା ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ତନଙ୍ଗତ ଆପସଦ୍ଗତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ତନ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ତନରେ କାଳପଟ ବିଷ ବୋଳିକି ଆସିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି। ସବୁ ବାଳକମାନଙ୍କୁ, ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୁହଁ, ସବୁ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହତ୍ୟା କରାଇବେ କି? ସାଙ୍ଗ ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ପୁତନା, ତାହେଲେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସବୁ ଅସୁର ପିଲା, ଏତିକି ଅସୁର ପିଲାକୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କଂସ ପଠେଇଛି, ଅସୁରମାନେ ସବୁ ପଠେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅସୁରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ତା'ର ଟାଣର ମୁଷ୍ଟିକ ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦଶ ଦିନରୁ କମ୍ ଆଉ ଅଧିକା ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା। କାରଣ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଆସିଲେ, ଏସବୁ ଲୀଳା ସବୁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପୁତନା ସବୁ ଅସୁର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସଖାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ସଖାଉ କି ହତ୍ୟା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ବୁଲେଇଦେଲେ, ଡକେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଭଗବାନ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଜିଘାଂସା ବି ହରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ତନ୍ୟ ପାଳନ ଦେଲା ସଦ୍ଗତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭଗବାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାଳୁତା। ଗଙ୍ଗା ଦୟାଳୁ ଶରଣଂ ବ୍ରଜେମ ଉଦ୍ଧବ, ଏ ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଳୋକଟି ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ଶ୍ଳୋକରେ ଏଇଟା ରହିଛି। ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିକି ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ, ଧ୍ୟାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କଙ୍ଗବା ଦୟାଳୁ ଶରଣ ପ୍ରଜିମ ଉଦ୍ଧବ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାଳୁତା, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? କିଂ ପୁନଃ କ'ଣ କିଂ ପୁନଃ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାନେ, ଯଚ୍ଛଂ ପ୍ରିୟତମ କିଂ ନୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଇଏ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟାରେ ସେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ଇଏ କୌମୁଦିକ ନାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା? ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଚଉଦ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ଏହି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ବସ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ରଖିଥିଲେ, ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପିତାନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆମେ ଭଗବାନ ଭୁଲି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ କଳ୍ପିତାନି ଜ୍ଞାନୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଳ୍ପିତ କରିକିରି ସବୁ ପ୍ରକାର